चलो बच्चा, अभी हम जो सम कर रहे हैं वो उसमें हमें एंगल ऑफ एलिवेशन ढूंढना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें ध्यान से इंफॉर्मेशन को पढ़ते हैं, उसके बाद सम को कैसे ढूंढना है वो ध्यान से समझते हैं। तो बच्चा सबसे पहले इंफॉर्मेशन दी हुई है, अ 1.5 मीटर टॉल गर्ल स्टैंड ऑन द ग्राउंड। तो हमने एक छोटी सी गर्ल ड्रॉ कर दी, यहाँ वो खड़ी है, ये ग्राउंड है उस पर खड़ी है और इनकी हाइट जो है वो 1.5 मीटर है। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। ऑन द ग्राउंड बाद में बोला हुआ है 28 मीटर अवे फ्रॉम द 30 मीटर हाई टावर। वो बोल रहा है कि ये 28.5 मीटर अवे है जो हाई टावर है, टावर जो यहाँ कहीं है उसकी जो हाइट है वो 30 मीटर है, ऐसा बोला हुआ है। क्लियर है? पूरे हाइट जो टावर की है 30 मीटर है पूरे टावर की। फाइंड आउट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ द टावर एज ऑब्जर्व बाय द गर्ल। तो गर्ल जो होगी बच्चा वो देखेगी कुछ यहां से, तो यहां से देखेगी तो हमारा जो एंगल ऑफ एलिवेशन यहां बनेगा वो ढूंढना है। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा जो हाइट पे गर्ल है 1.5 मीटर से देखेगी तो हमारा टावर की जो हाइट होगी वो 30 माइनस, आप बोलोगे सर 1.5 माइनस करोगे तो 28.5 हो जाएगा हमारे हिसाब से। क्यों, रीजन क्या होगा? क्योंकि टावर की हाइट टोटल जो है उसमें से जो गर्ल की हाइट है, क्योंकि गर्ल जो देखेगी वो यहां से देखेगी, आई में से देखेगी, तब उनकी हाइट जो होगी वो क्या हो जाएगा, तो उतना हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि उतना तो कॉमन है। तो अभी आप बोलोगे सर तो हमारे पास इनडायरेक्टली जो टावर की हाइट, हम जो ट्राइंगल बनेगा वो 90 डिग्री ए बी सी। तो आप बोलोगे सर ए बी सी की बात करें, इन ट्राइंगल ए बी सी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बच्चा, आपको थोड़ा लिखना पड़ेगा हाइट ऑफ अ गर्ल, तो वो उसमें लिख लेते ए बी सी डी एंड ई। तो डी सी ई इज अ हाइट ऑफ अ गर्ल, उसके बाद आप लिख सकते हो यहाँ पे क्या, क्योंकि ये रेक्टेंगल बन रहा है तो आपको वो लिखना है, तो लिख सकते हो सी बी ई डी इज अ रेक्टेंगल, देन सी ई इज इक्वल टू बी डी, ये दोनों इक्वल होंगे 1.5, और ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि आपको अपोजिट साइड जो रेक्टेंगल की होती है वो इक्वल होते हैं, वो ध्यान में रखना है। क्लियर है? चलो बच्चा, तो अभी आप बोलोगे सर यहां तक तो क्लियर हो गया, तो ट्राइंगल की बात करते हैं। तो ट्राइंगल ए बी सी जो था उसके अंदर आपने पहला डायलॉग वो बोला कि सबसे पहले यहाँ पे जो ढूंढना है वो हमारे पास, यहाँ पे भी 28.5 हो जाएगा क्योंकि ये दोनों इक्वल है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे बेस एंड परपेंडिकुलर है, तो आप बोलोगे टेन थीटा, थीटा जो होगा वो हम ये एंगल को रेफरेंस, सी को रेफरेंस लेके कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, आपको पता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो आप बोलोगे सर हमने जो ये यूज किया है परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाला, तो यहाँ पे आप बोलोगे टेन थीटा अपॉन परपेंडिकुलर जो आप बोलोगे वो ए बी होगा, बेस है हमारा सी बी, ए बी हमारा जो है वो 28.5 एंड सी बी जो है वो 28.5, तो 1 आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर ये 1045 की वैल्यू ऑलवेज 1 होती है, और उसके साथ बच्चा हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे आंसर आ जाएगा ये सम भी खत्म हो जाएगा। बहुत सिंपल सम है बच्चा, स्टेप समझने हैं, खाली लॉजिक बच्चे को ये ध्यान में रहना चाहिए, ये गलती नहीं होगी तो आराम से आंसर आ जाएगा। ये छोटे छोटे पॉइंट ही आपको बहुत अच्छे मार्क या फुल मार्क लाने में हेल्पफुल रहेंगे। तो ध्यान से बच्चा लिखो, प्रॉपर नोटबुक में लिख लो। वीडियो अच्छा लगा हो बच्चा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए एक पॉइंट के साथ।